वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। लेट्स डू थर्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द प्ले द प्रपोजल। क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, राइट डाउन अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ नतालिया स्टेनिपोवा। आपने नतालिया स्टेनिपोवा का एक ब्रीफ करेक्टर स्केच है वो लिखना है। और क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ नतालिया स्टेपनोवा आफ्टर रीडिंग द प्ले द प्रपोजल। दी प्रपोजल प्ले को पढ़ने के बाद आपको नतालिया स्टेपनोवा के बारे में आपको क्या पता चलता है? तो आंसर ऐसे रहेगा, दोनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नतालिया स्टेपनोवा इज दी ओनली फीमेल करेक्टर इन दी प्ले दी प्रपोजल। दी प्रपोजल प्ले के अंदर नतालिया स्टेपनोवा अकेली ही फीमेल, ठीक है, स्त्री पात्र है वो। शी इज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, वो 25 साल की है, एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, और एक अच्छी पढ़ी लिखी औरत है। इन लोमोज वर्ड, लोमो के शब्दों में, क्योंकि ये लाइनें अब कोट की गई हैं, क्योंकि ये प्ले से वैसे ही उठाई गई हैं, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। नतालिया इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। लोमो के शब्दों में नतालिया एक घर का ख्याल रखने वाली एक बड़ी ही अच्छी लड़की है। नॉट बैड लुकिंग, वो बुरी भी नहीं दिखती, एंड वेल एजुकेटेड आल्सो, और वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे, शी इज मच अटैच टू हर बिलोंगिंग्स। नतालिया स्टेपनोवा है वो अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी घर की जो चीजें हैं उससे बड़ा वो लगाव रखती है, ठीक है, अटैचमेंट रखती है। When Lomo visits them to propose her, जब Lomo उनके घर आता है उसको प्रपोज करने के लिए, she gives him a heartily welcome, वो उसका दिल से सत्कार करती है, स्वागत करती है। Then arise two controversies between them, उसके बाद में दोनों के बीच में दो विवाद हो जाते हैं। During the debate over auction meadow, she shows her argumentative nature, और जब डिबेट होती है उनके बीच में बहस होती है auction meadows के ऊपर Lomo और नतालिया के बीच में, तो वो अपनी आर्ग्यूमेंट करने की जो नेचर है, अपना जो स्वभाव है बहस वाला, वो शो करती है। शी सेड दैट ऑक्सन मीडोज हैड बीन विद देम सिंस 300 ईयर्स एगो। वो ये कहती है कि ऑक्सन मीडो है वो उसके पास पिछले 300 सालों से उन्हीं के पास ही थे। शी सेड दैट ऑक्सन मीडो हैड बीन विद देम सिंस 300 ईयर्स एगो। She displays her abusive nature and calls Lomo a land grabber. वो Lomo को कहती है कि Lomo को वो abusive, गाली देने वाली nature दिखाती है, और वो Lomo को एक जमीन हड़पी बताती है, जमीन को हड़पने वाला व्यक्ति बताती है। But immediately she softens and asks her father to call back Lomo. लेकिन थोड़े समय के बाद वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, नरम पड़ जाती है, और वो Lomo को कहती है, वो अपने फादर को कहती है कि वो Lomo को वापिस बुलाए। हेयर शी रिग्रेट्स एट हर एक्ट एंड प्लस दैट ऑक्सन मीडो बिलोंग्स टू हिम ओनली। अब उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वो ये कहती है कि ऑक्सन मीडोज हैं वो केवल Lomo के ही हैं। देन शी एडवोकेट्स दैट हर डॉग स्क्वीजर इज बेटर देन Lomo's डॉग गैस। उसके बाद में उनमें दूसरा विवाद होता है और वो कहती है कि उसका कुत्ता स्क्वीजर नस्ल वाला है वो Lomo के गैस नस्ल वाले कुत्ते से बड़ा अच्छा है। लेटर Lomo फॉल्स ड्यू टू हार्ट पेल्पिटेशन। उसके बाद Lomo है वो दिल फटकने के कारण, दिल उसका फट जाता है और वो एक आर्म चेयर पर गिर जाता है। लेटर Lomo फॉल्स ड्यू टू हार्ट पेल्पिटेशन ऑन एन आर्म चेयर। सडनली चुकबो पुट्स Lomo's हैंड इन नतालियाज हैंड। उसके बाद में अचानक चुकबो है वो Lomo का हाथ अपनी बेटी नतालिया के हाथ में दे देता है। He also gives blessings to both of them. वो दोनों को आशीर्वाद भी देता है। Thus, Natalia is an educated girl who can mold herself according to any situation. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Natalia इस प्ले के अंदर एक पढ़ी लिखी लड़की है जो कि किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर सकती है। मोल्ड करना होता है अपने आप को अडेप्ट करना, ठीक है, वो अपने आप को ढाल सकती है, अपने आप को बदल सकती है। तो दिस इज ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। ओके, समटाइम दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम। आई होप दैट नो यू डोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन।
In the next video lecture, I shall explain you a brief character sketch of Lomov. Thank you very much for listening to me and have a nice day.